बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। ये सेकंड टाइम है मैं यहाँ पर जा रही थी जॉब से घर, और मैंने सोचा थोड़ी सी ना वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आज ना मैं थोड़ा लेट ही घर जा रही हूँ। आज इनकी जो शॉप्स है नॉर्मल 7 बजे तक ओपन होती है, हमारी भी और इधर और भी जो है शॉप्स वगैरह, लेकिन साल में एक दिन इनका होता है जिस दिन ना ये 9 बजे तक शॉप्स ओपन रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट वगैरह करते हैं लाइटिंग वगैरह से। मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देती हूँ। ये दूसरी साइड पे ना बस स्टॉप है, बस अड्डा। नॉर्मल तो ना मैं शॉप की दूसरी साइड से घर जाती हूँ, जो हमारी दूसरी मेन स्ट्रीट है, लेकिन आज मैंने सोचा इस साइड पे जाती हूँ क्योंकि बाज़ार बिल्कुल फुल है और फिर रास्ते में जाने में भी प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से इधर मैं घर आ गई थी। मैंने खाना खा लिया था और साथ ही मैंने चाय बना ली थी, और इसके साथ मैं लूँगी ये तुर्किश बेकरी से मैं लेके आई हूँ, उनकी स्पेशल ये स्वीट होती है तो अच्छी लगती है मुझे कभी कभार खाने में, लेकिन जो हमारी अपनी स्वीट की बात होती है तो वो तो ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, हमें वही अच्छी लगती है, लेकिन ये भी इनकी अच्छी होती है एज अ स्नैक वगैरह, कभी कभार ले लें तो अच्छा लगता है। काफ़ी वैसे इनके ना नट्स वगैरह इनने अपनी मिठाई में ज़्यादा यूज़ किए होते हैं, और बेक्ड ये होती हैं, कुछ फ्राई भी होती हैं लेकिन ज़्यादातर ये इनकी बेक्ड है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ कभी कभार ना ऐसे लेना, और टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हमारे इधर पाकिस्तानी स्वीट तो ना साथ वाले सिटी ही से मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ही पाकिस्तानी और इंडियन शॉप्स हैं, दो, एक पाकिस्तानी है और दो इंडियन हैं, वो सिटी काफ़ी बड़ा है तो वहाँ से फिर हम लेके आते हैं। जिस सिटी में मैं रहती हूँ इधर कोई भी पाकिस्तानी या इंडियन शॉप नहीं है, हमने कोई भी स्पाइसेस राइस या कुछ लाना हो ना तो साथ वाले सिटी से ही लाते हैं। पहले मैं बच्चों को लेके जाती थी मस्जिद, तो फिर मस्जिद में भी शॉप है पाकिस्तानी, वहाँ पे आल स्पाइसेस राइस कुछ भी आपने लेना हो ना तो वहाँ से मिल जाता है, लेकिन आजकल बच्चे मस्जिद नहीं जा रहे तो इस वजह से मैं इतना जा नहीं पाती, तो जो कुछ भी हमने लेना हो तो वो मंथ में मैं एक दफ़ा जाती हूँ, या हस्बैंड चले जाते हैं तो हम फिर इकट्ठा ही ले आते हैं। असल में टाइम का काफ़ी इशू होता है हमें जॉब की वजह से, हस्बैंड भी फर्स्ट टाइम अपनी जॉब पे चले जाते हैं, मैं वैसे भी बुटीक पे, और सेकंड टाइम घर होती हूँ, घर आके खाना बनाना, लंच डिनर तो आपको पता है कि मदर्स का टाइम कैसे गुजरता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिज़ी टाइम ही अच्छा है, जितना टाइम आपका बिज़ी गुजरेगा ना तो उतना ही अच्छा है। इधर मैं कर रही हूँ चाय को इंजॉय, और उसके बाद मैंने जाना है शॉप पर, हस्बैंड की कॉल आई थी कि थोड़ी देर तक मैं कॉफ़ी के साथ ना पकोड़े बना के शॉप पे ले जाऊँ। मैंने कहा अच्छा मैं ले आती हूँ, वैसे भी आज लेट नाइट जो है पूरा बाज़ार खुला है, तो चलें बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे और मैं ना पकोड़े बना के साथ ले जाती हूँ, तो हम सभी उधर बैठ के खाएंगे। पहले कह रहे थे कि मैं घर आके खाऊंगा, उसके बाद कहते हैं नहीं आप इधर ही ले आओ। ये तकरीबन 6 का टाइम है और मैं इधर जल्दी से बना रही हूँ पकोड़े, ये मैं लेके चलूँगी शॉप पे, और काफ़ी अच्छा वेदर है, सर्दी तो जाहिर है इधर है लेकिन आज ना ड्राई है, बारिश नहीं है, ज़्यादातर इधर बारिश ही रहती है, लेकिन आज बहुत अच्छा ड्राई सा वेदर था, तो मैंने सोचा चलें बच्चे भी ना इंजॉय कर लेते हैं और घूम लेते हैं थोड़ा सा, तो मैं चली जाती हूँ शॉप पे। यहाँ पे जल्दी जल्दी बस बनाऊँगी पकौड़े, मैंने सिंपली ही पकौड़े पालक और जो भी इसमें स्पाइसेस डलते हैं अपनी मर्ज़ी से वही डाल के, तो मैं करूँगी पकौड़े रेडी और इस डिब्बे में डाल के ले जाऊँगी। इसमें पहले मैं लगाती हूँ फॉइल, तो फॉइल के ऊपर ना मैं कोई भी गर्म चीज़ ऐसे नहीं रखती, इसके ऊपर कोई भी ना किचन टावल या किचन पेपर रख लूँगी, मैंने यही सुना है कि ज़्यादा ये जो है फॉइल इसमें हीट नहीं होनी चाहिए, अगर आप बेकिंग में भी रखते हैं तो उसके ऊपर आपको बटर पेपर रखना चाहिए, इसलिए डिब्बे में मैंने ये लगा लिया है, और उसके साथ केचप मायोनीज़ ये मैं एक बैग में डाल लूँगी प्लास्टिक बैग में, तो ये साथ ले जाऊँगी, साथ में एक या दो प्लेट ले जाऊँगी, वैसे तो हम खुद ही हैं, मेरे हस्बैंड बच्चे और मैं हूँ, तो देखती हूँ एक या दो प्लेट साथ ले जाऊँगी जिसमें केचप डाल के बच्चे भी उधर खा लेंगे और हम दोनों भी। गिलास मैंने रख लिया, वैसे तो उधर भी 2-3 गिलास पड़े हुए हैं, तो स्प्राइट रखूँगी साथ, उतनी देर में मेरे पकौड़े रेडी हो जाएंगे, तो पकौड़ों को लेकर फिर मैं चलूँगी शॉप पे। गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, आपको पता है पकौड़े खाने का मज़ा तो ना गरम गरम ही आता है, तो इसलिए मैंने साथ ही ना ये भी रेडी कर लिया, मैंने सोचा चले पकौड़े बनेंगे ना तो जल्दी जल्दी से बस पकौड़े ले कर चली जाऊँगी ताकि ये ठंडे ना हों।
पकौड़े मेरे फ्राई हो गए हैं, अब इनको मैं निकाल लेती हूँ, डायरेक्ट डिब्बे में निकालूंगी ताकि ये ठंडे ना हों। और एक दफ़ा मैं और फ्राई करूंगी एक पैन, उसके बाद मैं ले जाऊंगी घर। और बैटर मैंने एक्स्ट्रा ही बना लिया था, उसको मैं रख लूंगी अब फ्रिज में, तो सुबह इंशाल्लाह बच्चों को ना दोबारा बना दूंगी। वैसे भी मेरे बच्चे पकोड़े बहुत खुश होकर लेते हैं और मैं भी, तो सुबह टी टाइम जब होगा तो मैं उनको भी बना दूंगी। हुआ कुछ यूँ कि जिस डिब्बे में मैंने बनाया है ना पकौड़ों का बैटर, तो वो काफ़ी बड़ा था, तो इस वजह से मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। वैसे भी मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, आज आई भी शॉप से लेट थी, तो बस जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी पकौड़े बना के ले जाऊँ। और तकरीबन ये 6:30 का टाइम हो रहा है, तो हस्बैंड आए थे 4 बजे तकरीबन, तो 2 घंटे हो गए मुझे भी घर आए हुए, तो बस मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी चली जाती हूँ। तो थोड़े से मैं और निकाल लेती हूँ क्योंकि दूसरे तो कम है, बाकी का मैं रखूँगी फ्रिज में। तो बस इसको रेडी करते ही ना साथ ही मैं निकल जाऊँगी। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं ना, तो मैंने शूज़ वगैरह पहन लिए थे क्योंकि बेटी भी कब से शोर कर रही थी, मामा जल्दी करो चलें। बस ये वाले भी रेडी हो गए हैं, अब मैंने इनको डिब्बे में निकाल लिया था। डिब्बा ऊपर से ना मैं एयर टाइट बंद कर लेती हूँ, इसके ऊपर भी मैंने पेपर टॉवल रखा था ताकि ये ठंडे ना हो पाए। तो इसके साथ ही जी हम निकल गए थे बाहर। ये रास्ते में मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, ये इन लोगों ने सेल्फी स्टैंड से बनाए हुए थे, तो काफ़ी अच्छा, पूरा सिटी बहुत अच्छा लग रहा था, पूरे सिटी को इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। लोग सेल्फियां ले रहे थे इधर खड़े होके, बस मैं तो जल्दी से जा रही थी कि जल्दी से चलूँ, काफ़ी लेट ऑलरेडी हो गया है। तो ये देखें ट्री भी कितने प्यारे लग रहे हैं, इसके ऊपर भी इन लोगों ने लाइटिंग की थी, कलरफुल की थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। कैमरे में ज़ाहिर है वैसा तो नहीं आता, तो जैसे रियल में ये अच्छा लगता है। बस मैंने जाते हुए थोड़ा सा कैमरा ऑन किया था और अभी जा रही हूँ शॉप पे, तो मैंने सोचा बाद में आऊँगी बेटी को लेके, तो पहले ना पकोड़े रखाती हूँ उधर शॉप पे ताकि ये ठंडे ना हो पाए ना, इतनी मेहनत की है तो फिर ठंडे खाने का भी इतना मज़ा नहीं आता। बस हम दोनों अब जा रही हैं उधर ही, और हस्बैंड के लिए मैंने कॉफ़ी भी ले ली थी, खुद तो मैं घर में चाय पी आई थी इसलिए मैंने अपने लिए कॉफ़ी नहीं ली, और बस हफ्ते के लिए ही एक कप लेके आई थी। बच्चे तो वैसे भी टी कॉफ़ी चाय वगैरह तो नहीं लेते। इसके साथ ही जी मैं आ गई हूँ शॉप पर, और यहाँ पर मैं पकौड़े निकाल के दे रही हूँ। अभी काफ़ी गर्म थे क्योंकि आते हुए 1 या 2 मिनट ही लगता है, तो वैसे ही थे जैसे हम घर में सर्व करते हैं, काफ़ी गर्म गर्म। और साथ ही जी मैं केचप और मायोनीज डाल दूँगी, जिसमें जो भी लेना है वो ले लें, बच्चे भी बस इधर ही लेंगे, घर में तो नहीं लेके आई ना बेटी, और बेटा पहले ही हस्बैंड के साथ था। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का है, आई होप कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।